कई बार ऐसा होता है कि आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं, कटे फटे नोट निकल जाते हैं, कई बार आपके पास पुराने या गंदे नोट आ जाते हैं। ऐसे नोट को कोई भी लेने से मना कर देता है। यदि आप इस प्रॉब्लम में हैं या रह चुके हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने इस समस्या का समाधान ढूंढ निकाला है। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार यदि आपके पास 100, 200, 500 के कटे फटे या पुराने नोट हैं तो आप बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर इन नोट को बदल सकते हैं। यदि बैंक आपके नोट को बदलने से मना कर रहा है तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, आप जिन नोट को बदलने जा रहे हैं उस नोट के अशोक स्तंभ, महात्मा गांधी की फोटो, अथॉरिटी का नाम, गारंटी और प्रॉमिस क्लॉज या सिग्नेचर जैसे खास हिस्से गायब हुए तो आप ये नोट नहीं बदल सकते। यदि आपके पास जले हुए आपस में चिपके हुए नोट हैं तो इन्हें आप आरबीआई के ऑफिस में बदल सकते हैं। वहीं कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि अगर किसी नोट का सीरियल नंबर एक जैसा है तो ये नोट लीगल है। आरबीआई के अनुसार दो या दो से अधिक नोटों का सीरियल नंबर एक जैसा होना संभव है, लेकिन ये नोट अलग अलग गवर्नर के सिग्नेचर वाले, अलग इंसर्ट लेटर या अलग मुद्रण वर्ष वाले हो सकते हैं। कुछ दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा था कि 500 के नोट पर हरी पट्टी आरबीआई के गवर्नर किसे गए महात्मा गांधी की फोटो के पास है, तो नोट नकली है। लेकिन आरबीआई ने बताया कि दोनों नोट मान्य है। अनफिट नोट को पहचानने के लिए आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है, वो कुछ इस प्रकार है। यदि नोट अधिक गंदे हैं और उसमें ज्यादा मिट्टी लग गई है तो इस नोट को अनफिट माना जाएगा। नोट लंबे यूज के कारण लूज हो गया है तो ये नोट भी अनफिट है। किनारे से बीच तक फटे नोट को भी अनफिट माना जाएगा। किसी नोट पर 8 वर्ग मिलीमीटर से अधिक छेद है तो इस नोट को भी अनफिट माना जाएगा। नोट में किसी तरह के ग्राफिक्स में बदलाव भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि नोट पर दाग, धब्बा, पेन की स्याही लगी या नोट का रंग उड़ गया है तो आप इस नोट को अनफिट मानेंगे।